चलो भाई स्टार्ट करते हैं 20 जुलाई के करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर से और काफ़ी सारे सोर्सेज से, जिससे कि आपको क्वेश्चन छुटे ना एग्ज़ाम में। तो पहला कर्नाटक गवर्नर का नाम आ गया था आज अखबार में, वाजूभाई वाला। तो गवर्नर क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको सारे गवर्नर याद नहीं करने होते, सिर्फ जो करंट में चल रहे होते हैं उनके नाम याद करना होता है। तो जैसे अभी करंट में चल रहा है इसका नाम याद कर लेना, MTS वगैरह के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन। दूसरा, जियो जो है इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेटर बन गया मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर बेस। तो पहले नंबर पे वोडाफोन है और तीसरे नंबर पे कौन है, एयरटेल। एयरटेल को इन्होंने अभी पिछाड़ा है अकॉर्डिंग टू ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई की फॉर्म भी आ सकती है। अगला फेस ऐप, ये बिल्कुल करंट की खबर है, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आपने फ़ोटो वगैरह देखी होगी कि बुढ़ापे की फ़ोटो डाल रहे हैं, तो रशिया की ऐप है ये और अभी ये मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गई है प्ले स्टोर पर। US के जो सेनेट है उसने इस पर प्रोब भी शुरू कर दिया कि कहीं ये हम सब लोगों का फेस डाटा का गलत इस्तेमाल ना कर ले। नेक्स्ट अब आपका PT उषा, तो PT उषा को IAF की वेटरन पिन मिलेगी। वेटरन का मतलब जो खेल के पुराने खिलाड़ी हो जाते हैं। तो ये इन्होंने गेम में से रिटायरमेंट ले लिया पर इन्होंने बहुत दिनों तक एथलीट्स की मदद करी, तो इसलिए इनको ये पिन मिलेगी। और IAFF की फुल फॉर्म देख लो, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। और इनको कहाँ पे मिलेगी ये पिन, ये मिलेगी 52nd कांग्रेस इन दोहा। दोहा कहाँ पे है, कतर में। अगला, सचिन तेंदुलकर छठे इंडियन बनेंगे जो ICC के हॉल ऑफ फेम में जिनका नाम शामिल होगा। इससे पहले 5 इंडियन है, तो 5ों को लाइन से आपको याद रखना, बिशन सिंह बेदी, फिर सुनील गावस्कर है, फिर कपिल देव है। ये उल्टे लिखे गए हैं, दो पहले सुनील गावस्कर, फिर कपिल देव, फिर अनिल कुंबले, फिर राहुल द्रविड़ और उसके बाद सचिन तेंदुलकर। कौन से इंडियन है, 6th इंडियन और किस में, ICC हॉल ऑफ फेम में। अगला, तो तमिलनाडु में 2 नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होने जा रहे हैं। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि तमिलनाडु कितने नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होने जा रहे हैं, 2। फिर एडिशनल डिटेल थोड़ी बता देता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है तेनकासी डिस्ट्रिक्ट और ये तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में से अलग होगा, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है चेंगालपट डिस्ट्रिक्ट, ये कांचीपुरम में से अलग होगा। और अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 35, पहले कितने थे, 33। अब अगली ICC की ओर खबर क्रिकेट से रिलेटेड, तो इन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जिम्बाब्वे क्रिकेट में क्या था कि जो जिम्बाब्वे का बोर्ड था उसमें सरकार बहुत दखलंदाजी कर रही थी, किसी को भी बिठा दे रही थी उसमें। तो ICC ने सस्पेंड कर दिया कि अब आप भूल जाओ खेलना, ICC का कोई टूर्नामेंट अब आप नहीं खेलोगे। अगला, INS सागर धोनी, तो ये क्या नाम है, इंडियन नेवल की एक बोट है और इसको एक मिशन पे भेजा गया है। मिशन का नाम है सागर मैत्री मिशन। और इस मिशन में क्या होगा कि ये ओशियनोग्राफिक रिसर्च करेगी, ओशियन का टेम्परेचर और अलग अलग जाके इंडियन ओशियन में सर्च करेगी कि कहाँ पे कुछ तेल वगैरह कुछ कहाँ पे क्या है, तो ये सब ये सर्च करेगी। और इसको नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लैब ने बनाया, ये लैब कहाँ पे, कोची में, और ये कोची से निकल के चली है, जो इंडियन नेवल की शिप है, नाव है जो ये। अगला, इंडियन वाटरवे ये ट्रांसपोर्ट करेगा कार्गो फ्रॉम भूटान टू बांग्लादेश। तो भूटान जो लैंडलॉक कंट्री है, उसके पास कोई ओशन नहीं है, तो उसको इंडिया अपना वाटरवे देगा, इंडिया अपनी नदी के द्वारा भूटान से और बांग्लादेश में पास करवाएगा कार्गो। और वाटरवे सबसे सस्ता तरीका होता है किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का, क्योंकि वाटर में कम फ्रिक्शन होती है, तो नाव का इंजन अच्छे से चल जाता है, बोयंसी भी होती है पानी में, तो ज़्यादा सामान भी रख सकते हैं, जबकि ट्रक वर्क में ये पॉसिबल नहीं है और तेल ज़्यादा खर्च होता है इनमें। अगला, 7000 स्पीसीज एडेड टू IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो 7000 नई स्पीसीज इसमें ऐड हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये खतरनाक बात है वर्ल्ड के लिए कि और क्या नाम है, और नई नई स्पीसीज रेड लिस्ट में डालनी पड़ रही हैं, क्योंकि उनको खतरा हो रहा है इन जितनी भी नई जो स्पीसीज डल रही हैं। अगला, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में, और इसके DG डायरेक्टर जनरल कौन है, ग्रेथल अगुलियर। अब ये नेक्स्ट देखो, इल्यूमिनेटेड रिवर प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट थेम्स रिवर पे 4 ब्रिज बनेंगे, इल्यूमिनेटेड का मतलब उन पर लाइट लगेंगी, LED काफ़ी अच्छी, जो दिखने में काफ़ी बढ़िया लगेंगी। लास्ट आज की करंट अफेयर, आर्टिफिशियल स्नो, तो जर्मनी के साइंटिस्टों ने एक नया तरीका निकाला है सी लेवल राइज को रोकने के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि स्नो मेल्ट होता है, सी लेवल बढ़ जाता है, तो जर्मनी के साइंटिस्टों ने क्या कही कि हम क्यों ना जो मेल्ट हो रहा है उसी को दोबारा जमा के ऊपर फेंकते जाएँ, तो सी लेवल राइज नहीं होगा।
अब देखो ये आइडिया चलता है नहीं चलता, आपके पेपर में आ सकता है कि आर्टिफिशियल स्नो का आइडिया कौन लेके आया है, आप क्या टिक करोगे, जर्मनी। अब देखते हैं आज की तीन वोकेबलरी। तो पहली देखो क्वाल, तो क्वाल का मतलब होता है चिंता या फिर एंजाइटी। दूसरा स्कटल, स्कटल का मतलब बिगाड़ना, कुछ बना बनाया काम किसी ने क्या करा, स्कटल कर दिया, बिगाड़ दिया। इल्यूजिव, इल्यूजिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड। सो इसका एग्जाम्पल देखो कि इन केरला इट इज़ इल्यूसिव टू फाइंड 100% लिटरेसी। तो 100% लिटरेसी फाइंड करने क्या है, डिफ़िकल्ट है। केरला के इंडिया में भी ले सकते हो, क्योंकि 99% तो कर सकते हैं, पर जो लास्ट 1% है वही मुश्किल है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना इस वीडियो को।